तो निकल पड़े हैं आज की अपनी जर्नी पर और जा रहे हैं जूनागढ़ फोर्ट। और सुबह का टाइम है तो सोच रहे हैं पहले ब्रेकफास्ट करने कर जाएं, तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट और रास्ता पार कर लूँ पहले मैं। और ब्रेकफास्ट करने के लिए देखिए मैं आ गया हूँ चोटू मोटू जोशी, आगे फेमस दुकान जो कि रेलवे स्टेशन के पास में ही है। रास्ता कहाँ से, पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। और जलेबी बनती हुई, अरे वाह, ये देसी घी बनाते हो भैया? और इसका ऑर्डर अंदर करना पड़ेगा, खाना है। और क्या, कचौड़ी? आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कचौड़ियाँ चली जा रही हैं, और ये एक बार में करीब 150 कचौड़ी एक साथ चली जा रही है। 150 कचौड़ियाँ बताओ, इससे बड़े लेवल पे यहाँ पे जो है एक बार में कचौड़ी बनती है। तो अभी हम बैठ गए हैं छोटे मोटे जोशी रेस्टोरेंट के अंदर आकर के, और हमने यहाँ की मंगा ली है फेमस पूरी सब्जी। देख सकते हैं हमें सामने, ये है इनकी गर्मा गर्म पूरियाँ, और ये है आलू की सब्जी, और एकदम रेडिश कलर आ रहा है इसके ऊपर, और बड़े बड़े आलू के पीसेस, अब देख के कमाल लग रहा है। और साथ में मैंने मंगा ली अपने लिए गर्मा गर्म जलेबी, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस है, देसी घी में बनाई हुई। तो इसके साथ तीसरी चीज़ हमने मंगा ली यहाँ की कचौड़ी, बाहर देख रहे बनते हुए, तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लगा कि टेस्ट बढ़िया होगा। मैंने मंगा ली इनकी, ये भी फेमस है एक्चुअली में, साथ में दी है इनके मीठी चटनी। तो देखते हैं खाकर कैसा है ये पूरा खाना इनका। सबसे पहले लेते हैं हम पूरी सब्जी, जो कि इनकी सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। जो आलू यूज़ किया उन्होंने, देखो ये अचार ही आलू हैं, जैसे मसाला है अचार का, हल्का हल्का अचार वाला टेस्ट आ रहा है। और सर ने सब्जी बना दी इसकी, तो टेस्ट डबल हो गया इसका, अलग ही हो गया एकदम। अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एकदम, बहुत बढ़िया तरीके पके हुए हैं अचारी मसाला, और शानदार हाके में फेमस है इनकी पूरी सब्जी, मज़ा आ गया खा के। चटपटी मसालेदार। तो मैंने रख ली कचौड़ी के सामने, और इसकी स्टफिंग देख लेते हैं एक बार। और ये जो कचौड़ी है दाल की बनाई गई है, मूंग दाल की, देखो आप इसमें दाल की स्टफिंग, और गर्मा गर्म निकाली अभी, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर इसको। स्टफिंग काफ़ी अच्छी भरी हुई है, और मसाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, और थोड़ा चटनी डाल देते हैं उसमें, मीठापन आएगा तो टेस्ट पता चलेगा। अरे कमाल है, अगर हमने खाई थी खाना पे इसकी लाजवाब थी, उन्होंने दही डाली थी, चटनी डाली थी ऊपर से तोड़ के, यहाँ पे इन्होंने प्लेन तरीके से दिया है, चटनी डाल के खा रहा हूँ मैं इसमें। इसके बावजूद इसमें जो अंदर मसाला है ना, उसका अलग से बहुत ही अलग से निकल के टेस्ट आ रहा है, मूंग दाल का बहुत बढ़िया वाला। तो स्टफिंग बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने, और मज़ेदार आ रहा है काफ़ी, तो ऐसे भी खा सकते हैं, और ये ज़्यादा अच्छा लगेगा मतलब ऐसे खाएंगे तो बिना मीठे के, और ज़्यादा टेस्ट आएगा मसाले का। वाकई में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया, बिना चटनी खा रहा हूँ तब भी, चटनी खा रहा हूँ तब भी मसाला टेस्ट मिस नहीं हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। मैं जलेबी बताऊँ उनकी, जो कि देसी घी बनाई है और काफ़ी फेमस है, और आपको मिलेगी क्या सुबह के टाइम में ही, आप इसके बाद दोपहर में आओगे तो आपको, और रात को आओगे तो यहाँ पे जलेबी नहीं मिलेगी आपको। तो ये जो है जल पीस ले लेते हैं थोड़ा बड़ा वाला, और देखते हैं कैसी है जलेबी। यार कुरकुरापन है, देख सकते हैं आप क्या आराम टूट रही है, और देसी घी में इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, देसी घी की मैंने स्मेल आ रही है बहुत बढ़िया वाली, कमाल हो गया। और वो जो खाना है ना लाजवाब है, छोटे मोटे जोशी ऐसे फेमस नहीं है, बाकी ओवरऑल खाना ही वेरी गुड। भैया कहते थे गोलगप्पे 10 के 6 एक प्लेट लगाना,
ही मज़ा आ रहा है। मसाला बहुत ज़बरदस्त है इनका, तीखापन, आलू भरा हुआ है और पानी लाजवाब है, तीखापन मस्त भरा हुआ है, मज़ा आ गया। गोलगप्पे तो बहुत मज़ेदार थे और गोलगप्पे खाने के बाद हमने अपने लिए बनवा ली है एक चाट, स्पेशल चाट, और भैया वो बना रहे हैं और आपको दिखाता हूँ इस तरीके से भैया ये चाट बना रहे हैं और जल्दी वो प्लेट में आ जाएगी, खा के बताएंगे कैसी है। ये हमने मंगा ली अपने लिए गर्मा गर्म चाट और बनाते हुए देखा बहुत ही मज़ा आया इनको, ज़बरदस्त तरीके से बनाई थी, काफ़ी कुछ ज़्यादा इन्होंने इसमें, और देखो पूरी तरह से इन्होंने इसको तोड़ दिया टिक्की को और काफ़ी अच्छे से उसमें मसाले और मीठी चटनी, धनी चटनी, प्याज, काफ़ी कुछ डाला है इन्होंने। आगे देखते हैं गर्मा गर्म है, थोड़ा सावधानी से। लाजवाब है और गर्मा गर्म मज़ेदार टेस्टी चटपटी, अब हम आ गए हैं वापस से बीकानेर जंक्शन के पास और यहाँ पे आ गए बीकानेर रेस्टोरेंट में अपना लंच करने के लिए और हमने अपने लिए मंगा ली है अभी फ़िलहाल यहाँ पे भुजिया की सब्ज़ी जो कि बीकानेर की फेमस भुजिया है उसके, देखो ये बना रखी है उन्होंने भुजिया की सब्ज़ी और साथ में लिए हमने तंदूरी रोटी, तो खाते हैं। बकायदा सलाद भी लिया है हमने प्याज के साथ, ये देखो मालदार चीज़ है, तो खाते हैं बताते हैं आपको कैसा है खाना और खा के निकलेंगे फिर आगे अपने अगले गंतव्य की तरफ। और मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि इसमें भुजिया के साथ साथ जो मसाला है काफ़ी अच्छा डाला हुआ है, प्याज, हरी मिर्च और तेल का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है इसमें, देखो ऐसे टपक रहा है, तो उम्मीद तो करता हूँ अच्छा हो गई, बाकी खा के पास चले। मुँह जल गया अच्छे से आपको बताने चक्कर में भूल गया कि गर्म था बिल्कुल, हॉट एकदम खतरनाक वाला, रखते एकदम से तले पे लगा, बोलना मुश्किल हो गया, मगर जो टेस्ट है ना वो भाई साहब कमाल का है। मैंने पहली बार भुजिया की सब्ज़ी खाई है और बीकानेर से अच्छी भुजिया की सब्ज़ी आपको मुझे लगता नहीं कहीं मिल सकती है। ओके बाद थोड़ा संभल के खाऊंगा, मुँह जल गया। और मालदार चीज, सोना खा रहे हैं सोना, पता नहीं कब चांदनी बदलेगा, उसके बाद कब चांदनी तामे बदलेगा, कब आम होगा कुछ नहीं पता, अभी तो सोना है भाई साहब। चीज़ है एक नंबर से बताऊँगा, बहुत बढ़िया। तो अभी अभी हम करके आए हैं बीकानेर रेस्टोरेंट से लंच और लंच था काफ़ी शानदार, मज़ा आ गया करके, और उसके बाद देख सकते हो आप आ गए हम ये जूस की दुकान पे, या भैया से हमने ले लिया है ये पाइनएप्पल और पाइनएप्पल मिल्क शेक, तो इतने बड़े ग्लास में इन्होंने दिया मात्र 20 रुपए में, और ठीक बताते हैं कैसा है ये शेक, पाइनएप्पल मिल्क शेक। हाँ 20 रुपये में उम्मीद भी नहीं कर सकते इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ की, मतलब एक तो रेट वाजिब है, दूसरी चीज़ पाइनएप्पल प्लस मिल्क, मतलब सारी चीज़ मिला के उन्होंने जो चीज़ बना के दी है ना वो कमाल की है, और खाने के बाद जो है तसल्ली मिल गई मन को, तृप्ति हो गई एक दोनों, मेरे को कुछ पीने का मन कर ही रहा था कुछ मीठा, और लस्सी से अच्छा मुझे लगा कि एक शेक पी लिया जाए तो ये बेटर है, पाइनएप्पल का जूस वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है और साथ में मिल्क मिल गया तो और अच्छी बात है, पीते हैं अपना जूस इन्जॉय करते हैं। अभी हम आ चुके हैं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए, हमने यहाँ पे मांगा था इनसे दाल बाटी चूरमा, इन्होंने स्पेशली हमारे लिए यहाँ पे देखिए दाल बाटी और ये चूरमा, ये है इनकी बाटी
ये है दाल और देखने में कितनी कमाल की लग रही है, और साथ में ये चूरमा। हाँ, ऐसे ऊपर ही चीनी के ये जो ना पीस दिख रहे हैं अच्छे खासे। और ये जो है ये आटे का होता है ना? नहीं, ये आटा सूजी हाँ बेसन मिक्स करके सबको मिक्स करके बनाया गया। हाँ अच्छा अच्छा, प्योर देसी घी में बनता है। तो डिप करके खाते हैं ना, इसमें डिप करके खाना होता है ना इसको, इसको इसके अंदर डुबो के खाते हैं, इसको इसके ऐसे चूर के दाल मिला के खाते हैं। चलो ऐसे खा के देखते हैं। मज़ा आ गया खाने में। वाकई में नाम बहुत सुना था, और इसको दाल में डालने पे जो टेस्ट आ रहा है ना, और मक्खन भी कमाल है। इसका टेस्ट जो है ना वो तो दोगुना तीन गुना हो गया बाटी वजह से इसके अंदर डाला, और सब कुछ जैसे ही है बना हुआ है इनका, इतना भी कुछ है यहाँ पे। और साथ में अचार भी दिया हुआ खाने के लिए, और साथ में सलाद भी है, और ये दिया गुड़ आप उसको अलग से भी खा सकते हो, साथ में मिला के भी खा सकते हो। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा है, खासकर दाल बाटी का जो कॉम्बिनेशन है ना वो एक नंबर है, बहुत बढ़िया। जो चूरमा है जैसे बताया आटा सूजी चीनी के मिलाकर बनाया देसी घी में, ये भी जिसका इतना कैसा है एक नंबर चीज़ है, मज़ा आ गया। मैं राजस्थान आया हूँ, राजस्थान की मेन डिश ना खाओ भाई आप खाना बेकार है। मैं तो ये दाल बाटी चूरमा सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाते हैं अपना खाना, खत्म करते हैं और फिर चलते हैं होटल में। वो नाइट आउट करते हुए निकले हैं अपने होटल से और आ गए हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने, थोड़ा घूमने के लिए। और नाइट में वैसे मार्केट में आपको दिखाने के लिए है नहीं, मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। और इसी चक्कर में मैं आया था घूमते घूमते लालजी रेस्टोरेंट में, और यहाँ मैं लेने वाला हूँ गर्मा गर्म दूध। ये देख सकते हैं सामने आप, दूध बनता हुआ उबलता हुआ, तो यहाँ पे लेंगे गर्मा गर्म दूध केसर वाला, और पी के बताएंगे कैसा है आपको, और फिर बढ़ेंगे आगे अपने घूमते हुए मार्केट की तरफ। दे सकते हैं एकदम गर्मा गर्म केसरिया दूध हमने ले लिया है लालजी रेस्टोरेंट से। कमाल का मज़ा है, कमाल का। ये तो शाम को ठंड का मौसम हो गया है, देखो जैकेट पहन रखी है, और जिस तरीके से दूध बनाया है ना, और मीठा पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये परफेक्ट है। और उसके ऊपर से इसमें केसर का डाल रखा है, देखो ऊपर से बादाम डाल रखा है, ऐसे पिस्ता डाल रखा है, काजू डाल रखा है, तो टेस्ट जो है ना काफ़ी मस्त होकर आ रहा है, पीलापन आ रहा है इसमें, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। वाह, सो गुड। तो बाकी में मज़ा आ गया लालजी रेस्टोरेंट में, इतना बढ़िया वाला दूध पीकर केसर वाला, और गर्मा गर्म और बिल्कुल परफेक्ट मिठास के साथ, बाकी में मज़ा आ गया।